दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों से और इस प्रखंड मुख्यालय से भी यहाँ पर उपस्थित इस सभागार में सम्मानित हमारे भाइयों एवं बहनों, बहुत ही हर्ष की बात है कि आज हम लोग इस तरह से एक जगह इकट्ठा हुए हैं। ये कार्यक्रम बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन बेहद अफसोस है कि इतने दिनों बाद हो रहा है। फिर भी आपकी जो जज्बा है, इस जज्बा को मैं सलाम करता हूं, क्योंकि अगर कुटुंबा प्रखंड के शिक्षक नहीं होते तो जिला मुख्यालय में जो आज इस संघ का गठन हुआ था, वो संघ का गठन भी शायद नहीं हो पाता। इसलिए आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मैं विशेष रूप से आपसे आग्रह करूंगा कि ये जो संघ संगठन है, ये जो नेतागिरी है, ये चेहरा चमकाने की राजनीति है, ये बंद होनी चाहिए। और ये संघ में कोई भी आदमी आता है, कोई भी व्यक्ति आता है, कोई भी महिला या पुरुष जो शिक्षक संघ से जुड़ते हैं, उनकी कुछ आशाएं होती हैं, और उन आशाओं पर जब पानी फिरता है या फिर स्वार्थ सिद्धि के लिए जो लोग सटे होते हैं, उनकी स्वार्थ सिद्धि अगर नहीं होती है तो दूसरे संघ बना लेते हैं, दूसरे संगठन में चले जाते हैं। निश्चित रूप से ये मानने वाली बात है कि बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ, प्रारंभिक काल से ही हम लोग इस संघ के बैनर तले काम किए हैं, और दुर्भाग्य से जो बीच में सर्वोच्च न्यायालय में जो राजनीति हुई, पैसों का खेल हुआ, वो सर्वविदित है, सब लोग जानते हैं। लेकिन एक पक्ष, इसका दूसरा पक्ष भी इतना महत्वपूर्ण था कि अगर इतने सारे संगठन नहीं होते तो अनेकों अच्छे अच्छे वकील, नामचीन वकील सर्वोच्च न्यायालय में नहीं रखे जाते। फिर भी जो 24 तारीख बीते, उन 24 तारीख पर कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि हम जो उच्च न्यायालय में जो केस को जीते हैं वो केस हार जाएंगे। और निश्चित रूप से सभी लोग विश्वास कर रहे थे, हम जैसे लोग भी 4-4, 5-5 दिन वहाँ दिल्ली में जाकर के रहते थे, बहुत नज़दीक से हमने देखा है। और आप लोगों के आशीर्वाद से हमें मुख्य याचिकाकर्ता उपेंद्र राय जी के साथ मिलकर के कदम से कदम मिला करके चलने का काम हमने किया है, हमको मौका मिला है। उसमें मैं बहुत नज़दीक से सारे वकीलों को, सारे संगठन के लोगों को, सोशल मीडिया के माध्यम से जो चौपाल के हमारे साथी हैं पूरे बिहार में फैले हुए हैं, वो चौपाल कोई संघ संगठन नहीं है बल्कि एक विचारधारा है, जिसमें सारे शिक्षक ये चाहते हैं कि ये ना केना प्रकारे ना हमको किसी भी तरह से समान काम के बदले समान वेतन मिल जाए, और कुछ नहीं चाहिए। हमें सत्ता का सुख नहीं भोगना है नीतीश कुमार जी के साथ जैसा, क्योंकि ये तो जनमत किसी और के साथ लेते हैं और हाथ किसी और के साथ मिला लेते हैं, तो ये पलटी बाजी हमें नहीं चाहिए। हम तो आम शिक्षक हैं, हम भारतीय संस्कृति के गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा के अनुयायी हैं, ये दर्पण हैं, हम समाज के दर्पण हैं, हम राष्ट्र निर्माता हैं। हमें तो अपने परिवार के बीच में रहना, बच्चों के बीच में रहना, उनके साथ सारी बातें शेयर करना, और उन नौनिहालों का, गरीब बच्चों का भविष्य बनाने की जिम्मेवारी दी गई थी। हमें क्या पता था कि इस कार्य में इतना संघर्ष है और इस तरह से हम पर अत्याचार किया जाएगा, हमें शोषित किया जाएगा, ऐसा मालूम नहीं था। आज के दिनों में ऐसी बातें हैं कि बहुत से लोग शिक्षक नहीं बनना चाहते हैं, उसका एकमात्र यही कारण है कि हम शोषण के शिकार हैं, हम शोषित हो रहे हैं। हम पर सरकार निरंकुशता की लाठी चला रही है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब भी हम लोग आज तक जो भी हासिल किए हैं 2003 से लेकर के 2005, 2006, 2007, 2012, 2014, आज 2018, 2019, यहाँ तक हमने जो भी पाया है वो संघर्ष के बदौलत पाया, बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिला। हमारे कुछ साथी भले ही घर में दुब के रह गए हों, कुछ साथी सड़कों पर लड़ाई लड़ते हैं, कुछ साथी कुछ लोगों को अपने शिक्षक भाई बहनों को नेतृत्व करने का काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी हिस्सेदारी होती है। हम संघर्ष के प्रति अपने जज्बे को प्रदर्शित करते हैं, सड़कों पर हम आते हैं, और तभी जाकर के सरकार तक हमारी आवाज आती है और सरकार हमें सुनती है और कुछ वेतन वृद्धि जैसे थोड़ी बहुत चीज कर देती है। पिछले जो 2015 में आंदोलन किया गया था, उस आंदोलन में मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया के माध्यम से
पूरे बिहार में एमडीएम बंद करवाने का काम हमने किया था, और उस समय सारा रिपोर्ट लेकर के और ये प्रेस में देते थे और इस तरह की मैसेज फैलाया जाता था उसमें मात्र, जबकि सोशल मीडिया में 100 लोगों के लिए ही व्हाट्सएप पर जगह होता था, अभी तो 250 लोग हैं। तो इस तरह से बिहार भर के 150 एडमिन को एक जगह एक मंच पर मैंने लाया था, और तब जाकर के पूरे बिहार में एक आंदोलन का स्वरूप खड़ा किया था। भले ही हुआ क्या, उसका हस्र ये हुआ कि हम लोग तो आम शिक्षक जो स्वतः स्फूर्त आंदोलन कर रहे थे, बिल्कुल ईमानदारी से अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन हम लोगों में से भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके अपने कई तरह के स्वार्थ होते हैं, और उन स्वार्थों की पूर्ति के लिए वे सौदेबाजी कर देते हैं हम लोगों का, और हम लोग हक्का बक्का रह जाते हैं, हम लोग ठगे रह जाते हैं। ऐसी स्थिति हम लोगों के बीच ही कोई ना कोई उत्पन्न कर देती है। तो ऐसे जो जयचंद लोग हैं उनको भी हमें चिन्हित करके रखना है और उनसे हमेशा सतर्क रहना है। कोई भी संघ और उसके सिद्धांत बुरे नहीं होते हैं, उसके लोग बुरे हो जाते हैं, और तभी लोग उनसे अपना हाथ वापस लेने लगते हैं, खींचने लगते हैं, और वो कामयाब नहीं हो पाते। तो मुख्य उद्देश्य जो हम लोगों का है, निश्चित रूप से हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति करेंगे। मैं सलाम करता हूं, आप सबों का अभिनंदन करता हूं, और मैं आपको बता दूं कि हमारे जिला में यहां भले ही संगठन नहीं बना हो, लेकिन हमारे 5-5 पदाधिकारी जिला स्तरीय आपके प्रखंड के हैं, और जो 2-3 कार्यक्रम हुए उसमें सबसे ज्यादा आपकी भागीदारी रही, यहां से लेकर के पटना तक आप